बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी और शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी मिली है और इसके कारण उनके समर्थकों में काफी गुस्सा है। भाटी के सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के विदेश में रह रहे गुर्गे रोहित गोदारा के नाम से सोशल मीडिया पर ही उन्हें धमकी दी गई और इसके बाद जाहिर सी बात है उनके समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली, जो जिला पुलिस अधीक्षक के बलोतरा स्थित ऑफिस पहुंच गए। वहां उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, साथ ही साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और रविन्द्र भाटी की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले एक नया अपडेट सामने आ गया है, नया मोड़ सामने आया है कि जिस अकाउंट से जिस व्यक्ति के नाम से धमकी दी गई है उस व्यक्ति ने ही इस धमकी से इनकार कर दिया है। रोहित गोदारा नाम के अकाउंट से हुए पोस्ट में कहा गया है कि उसने रविन्द्र सिंह भाटी को कोई धमकी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे जो राजनेता हैं उससे भाटी की सफलता हजम नहीं हो रही है और उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। 27 अप्रैल को यानी कि आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि भाटी को मिली धमकी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। गोदारा ने पुलिस से धमकी भरे पोस्ट की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर दी है। क्या कुछ लिखा है पहले आपको वो पोस्ट हम दिखाते हैं, जिसमें देखिए उन्होंने लिखा है कि मैं रोहित गोदारा कपूरसरी, आज मुझे न्यूज के जरिए पता चला कि मेरे नाम से रविन्द्र सिंह भाटी को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से धमकी मिली है। इस धमकी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। रविन्द्र भाटी एक गरीब परिवार से निकलकर छात्र राजनीति से विधानसभा लोकसभा तक का सफर तय कर समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों की भलाई का काम कर रहे हैं। ये बात सत्ता में बैठे राजनेताओं को हजम नहीं हो रही है और इसके चलते मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर इस भाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि पहले इसी नाम से इन्हें धमकी मिली थी, यानी कि रोहित गोदारा के सोशल मीडिया अकाउंट के नाम से ही रविन्द्र भाटी को धमकी मिली थी जान से मारने की। क्या धमकी दी गई थी पहले हम आपको वो भी बता देते हैं। रविन्द्र सिंह भाटी को धमकी देते हुए लिखा गया था कि रविन्द्र सिंह भाटी को साफ कह रहा हूं कि अगर ज्यादा उछलने की कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग कहेंगे कि एक और राजपूत सितारा चला गया। हम तो चुनाव से पहले ही बहुत कुछ बदल सकते थे, हमने बड़े बड़ों को पैरों के नीचे रखा है। हमको ना तो चुनाव लड़ना है ना सत्ता का शौक है, हम चाहते हैं कि हमारी कौम के ऊपर कोई गलत नजर से देखने की हिम्मत ना करे। तो ये पहले धमकी दी गई और अब कहा जा रहा है कि धमकी नहीं दी गई है, जो सोशल मीडिया अकाउंट है रोहित गोदारा का उसने साफ कहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस की टीम जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन साथ ही साथ सियासी पारा भी काफी चढ़ा हुआ है और इसके साथ ही जो रविन्द्र भाटी के समर्थक हैं वो काफी नाराज हैं और वो जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ अपडेट सामने आता है वो भी हम आपको बताएंगे। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।